मंजूर तहरीक मंजूर हुई। बलोचिस्तान अदायगी उजरत का मसूदा कानून मुस्तरद 2021 मसूदा कानून नंबर 12 मुस्तरद 2021 को मजलिस की सिफारिशात के बमूजिब मंजूर किया जाता है। बलोचिस्तान एक बार पेश करें, उसके बाद अगर आप बात करना चाहें। पेश अभी तक नहीं हुआ। मेंट का मसूदा कानून मुस्तरद 2021 मसूदा कानून नंबर 13 मुस्तरद 2021 का पेश मंजूर किया जाना। वज़ीर बराए महकमा मेहनत व अफरादी क़ुव्वत बलोचिस्तान दुकानों और इस्टेब्लिशमेंट का मसूदा कानून मुस्तरद 2021 मसूदा कानून नंबर 13 मुस्तरद 2021 ऐवान में पेश करें। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मेरा तो ये एक राय है कि इसको आप स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करें। एक बार आप पेश कर दें, उसके बाद फिर मैं मोहम्मद खान लहड़ी वज़ीर बराए महकमा मेहनत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से बलूचिस्तान दुकानों और इस्टेब्लिशमेंट का मसूदा कानून मुसद्दरा 2020-21 मसूदा कानून नंबर 13 मुसद्दरा 2020-21 को पेश करता हूँ। तो आप लोगों ने एक बार यहाँ तहरीक भिजवाई है मंजूरी के लिए, अभी आप लोग कमेटी में भिजवाना चाहते हैं? इस पर अभी तक ये कमेटी को रेफर नहीं हुआ है, कुछ इसके खैदो ख्याल है। फिर आप लोग ये वापस उठा ले, फिर कमेटी भिजवा देंगे। नहीं, इसका ये अभी तक कमेटी में नहीं गए हैं ये। करे कमेटी में भेज दिया। किस मसूदा कानून नंबर 13 मुस्तरद 2021 पेश हुआ, लिहाजा इसको मुतलिका कमेटी के पास भिजवाया जाता है। वज़ीर बराए महकमा मेहनत वज़ीर बराए महकमा मेहनत व अफरादी क़ुव्वत बलूचिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयड स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मसूदा कानून मुस्तरद 2021 मसूदा कानून नंबर 14 मुस्तरद 2021 ऐवान में पेश करें। मैं मोहम्मद खान लहड़ी वज़ीर बराए महकमा मेहनत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से बलूचिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयड स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मसूदा कानून मुसद्दरा 2020-21 मसूदा कानून नंबर 14 मुसद्दरा 2020-21 को ऐवान में पेश करता हूँ। बलूचिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल। जनाब स्पीकर साहब, इसको भी स्टैंडिंग कमेटी के हवाले किया जाए इस बिल को। बलूचिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयड स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मसूदा कानून मुस्तरद 2021 कानून नंबर 14 मुस्तरद 2021 ऐवान में पेश हुआ, लिहाजा इसको मुतलिका कमेटी के सुपुर्द किया जाता है। बलूचिस्तान फैक्ट्रियों से मुतलिक का मसूदा कानून वज़ीर बराए महकमा मेहनत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से बलूचिस्तान फैक्ट्रियों से मुतलिक का मसूदा कानून मुसद्दरा 2020-21 मसूदा कानून नंबर 15 मसूदरा 2020-21 ऐवान में पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, इसको भी स्टैंडिंग कमेटी के। बलूचिस्तान फैक्ट्रियों से मुतलिक का मसूदा कानून मुस्तरद 2021 मसूदा कानून नंबर 15 मसूदरा 2021 ऐवान में पेश हुआ, लिहाजा इसको भी कमेटी के सुपुर्द किया जाता है। बलूचिस्तान मगरबी पाकिस्तान वैक्सीनेशन कानून मुस्तरद 2021 मसूदा कानून नंबर 16 मुस्तरद 2021 पेश किया जाना। वज़ीर बराए महकमा सेहत बलूचिस्तान मगरबी पाकिस्तान वैक्सीनेशन ऑर्डिनेंस 1958 में मजीद तरमीम का मसूदा कानून मुस्तरद 2021 मसूदा कानून नंबर 16 मुस्तरद 2021 ऐवान में पेश करें। वज़ीर बराए महकमा सेहत बलूचिस्तान व मगरबी पाकिस्तान वैक्सीनेशन ऑर्डीनेंस 1958 में मजीद तरमीम का मसूदा कानून मसूदा 2021 मसूदा कानून नंबर 16 मसूदा 2021 ऐवान में पेश करती हूँ। बलूचिस्तान मगरबी पाकिस्तान वैक्सीनेशन ऑर्डीनेंस 1958 में मजीद तरमीम का मसूदा कानून मुसद्दरा 2021 मसूदा कानून नंबर 16 मुसद्दरा 2021 ऐवान में पेश हुआ, लिहाजा इसे मुतल्लिका मजलिस कायमा के सुपुर्द किया जाता है। मोरखा 23 अप्रैल 2021 की असम्बली नशस्त में बाज़ाब्ता शुदा तहरीक इल्तवा नंबर 2 पर बहैसियत मौजूदी आम बेस जनाब ज़ेर साहब, आप तहरीक इल्तवा नंबर 2। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। यकीनन आज जो तहरीक इल्तवा मैंने पेश की थी 21 अप्रैल 2021 को
क्वेटा के सरीना होटल में एक खौफनाक बम धमाका या सुसाइड होता है जिसमें मासूम और बेगुनाह वहां पर लोग जिसमें एमल कासी जो पीएचडी स्कॉलर था और उसकी ईद के बाद शादी होने वाली थी, इसी तरह नसीबुल्ला नूरजई, असदुल्ला खरोटे, शाहजेब और एक सिपाही तनोली, ये पांच इसमें शहीद और कम उपेश दर्जन भर के उसमें जख्मी हो गए। जनाबे स्पीकर साहब, अगर आप देख ले गुज़श्ता 6 माह में इस सूबे में वाकियात हुए हैं, जिला केच में गोलियों से नवंबर में कोई 5 चिल्ली लाशें बरामद होती है, 26 दिसंबर जिला पंजगूर में धमाका होता है जिसमें 2 अफराद शहीद होते हैं, 27 दिसंबर को अरनाई में चेक पोस्ट पर हमला होता है जिसमें 7 नौजवान शहीद होते हैं, और फिर फरवरी में डीसी ऑफिस के सामने बम धमाका होता है जिसमें 5 अफराद शहीद, और इसी तरह मचका सानिया जिसमें 10 अफराद वहाँ हमारे हज़ारा कम्युनिटी के शहीद होते हैं, फिर उनका धरना होता है। जनाब स्पीकर साहब, अगर आप मुल्क के तूल अर्ज में देखें ये वाकियात इन दहशतगर्दी के वाकियात हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगर हम जरा पीछे जाकर देखें कि ये हमारा मुल्क इन दहशतगर्दों के हवाले किस तरह किया गया, इन इंतिया पसंदों के हवाले किस तरह किया गया, इन रुजती अनासर के हवाले हमारे इस मुल्क को किस तरह हवाले किया गया, जनाब स्पीकर ये एक लंबी तारीख है। जब अफगानिस्तान में वहाँ अंदरूनी एक इनकलाब आता है जनाब स्पीकर, उस इनकलाब के खिलाफ दुनिया जहान की कुव्वतें, इस्तेमारी कुव्वतें, एम्पेरलिस्ट कुव्वतें, इंतिया पसंद कुव्वतें और रुजती कुव्वतों का एक मुकद्दस इतिहाद बनता है और उसके लिए हमारी इस सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है। जनाब स्पीकर, आपको अच्छी तरह याद होगा जब जनरल ज़िया की फौजी आमरियत का दौर था तो इन तंजीमों की खूब आबियारी की गई, इन दहशतगर्द तंजीमों को यहाँ उनकी ट्रेनिंग की गई, यहाँ उनको पाला गया, उनकी तरबियत की गई, उनके मराकज़ कायम किए गए और इस तरह आज़ाद और जमहूरी अफगानिस्तान में मुसल्ला मुदाखलत और जारियत की पॉलिसी को दवाम दिया गया, और इस तरह यहाँ हमारे मुल्क हमारा खिता वो हवाले किया गया इन इंतिया पसंदों की। जनाब स्पीकर, और आपको पता है कि हम जैसे लोग पुश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी उसके चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई और हमारे दीगर अकाबरीन ने उस वक्त कहा कि आप इस आग के शोलों को न भड़काओ, आप इन दहशतगर्दों की ट्रेनिंग मत कराओ, आप अफगानिस्तान को कब्जा करने की ख्वाहिश खत्म कर दो, आप जो है ना ये जो आपकी पॉलिसी है ये पॉलिसी मुल्क के लिए तबाहकुन होगी, ये मुल्क के लिए ये मुल्क को ऐसे डगर पे ले जाएगा जो उसको फिर वापस हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए बड़ी मुद्दत दरकार होगी। जनाब स्पीकर, फिर आपने देखा कि उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर आया और ये पॉलिसियां इसी तरह जारी रही, और आपने देखा कि इस पॉलिसी के सबब फाटा माजी का, जिसे वस्ती पुश्तूनख्वा कहा जाता है, जिन्हें जबरदस्ती खैबर पुश्तूनख्वा में जम किया गया, इस फाटा इस वस्ती पुश्तूनख्वा को इन दहशतगर्दों का गढ़ बनाया गया।
और फिर आपने देखा जनाब स्पीकर, उस फाटा वस्ती पुश्तूनख्वा से हजारों नहीं लाखों लोगों को बेघर किया गया, लाखों कबाइली आवाम, वहां के गैरती आवाम, जिसने कश्मीर आजाद किया था, जिसने अंग्रेज के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी, जिसने इस मुल्क के आजादी के लिए एक अहम किरदार अदा किया था, उस फाटा के गयूर आवाम को, उसके कबाइल को, वो वजीर कबाइल हो, चाहे मसूद कबाइल हो, चाहे दौतानी कबाइल हो, चाहे सलेमान खेल हो, चाहे औरकज़े एजेंसी के आवाम हो, चाहे खैबर हो, चाहे मुमंद एजेंसी हो, इसके कम पेश लाखों आवाम वो माइग्रेट कर गए, वो अपने मुल्क में ही आईडीपीज बने। जनाब स्पीकर, आपको याद है कि स्वात से कम उपेश 30 लाख लोग वो माइग्रेशन कर गए, उन्होंने स्वात जैसे जन्नत नजीर वतन को उन्होंने छोड़ा, और वहां पर किसकी हुकूमत कायम हो गई? जनाब स्पीकर, कहा जा रहा है कि हमने टेररिज्म के खिलाफ कुर्बानी दी, कोई कह रहा है 70,000, कोई 90,000। मैं दावे से कहूंगा कि इन 70-90,000 में 90% पश्तून आवाम का कत्लेआम हुआ, हजारों पश्तून आवाम वो फाटा के बिलखसूस फिर तमाम मुल्क में वो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, लाखों लोग बेघर हो गए, अरबों अरबों रुपए के उनके नुकसान हुए, मार्केटें खत्म हो गई, वाणा का बाजार, मीर अली का बाजार वो मलिया मेट कर दिया गया, उसको जमीन बोस कर दिया गया। जनाब स्पीकर, फिर इसी तरह खैबर पुश्तूनख्वा में, पिशावर में, सवाबी में, चारसदा में, मर्दान में, स्वात में, फिर यहाँ आकर के हमारे इस सूबे में कोयटा में कितनी बड़ी वाकियात हुए, कितने बड़े बड़े सानियात हुए, सौ सौ लाशें 10-10 दिन तक पड़ी रही, और मुख्तलिफ वाकियात हुए जिसमें हजारों हजारों लोग लुकमय अजल बन गए। जनाब स्पीकर, ये तमाम वो पॉलिसी थी इस रियासत की जिसने इस मुल्क को इंतहा पसंदी के सफ में ला के खड़ा किया, जिसने इस मुल्क को दहशतगर्दी के सफ में ला के खड़ा किया। आज इस ये मुल्क दुनिया में यको तनहा है, खारिजी तौर पे मुल्क यको तनहा है, दाखिली तौर पर मुल्क माशी तौर पे बदहाल है, समाजी तौर पे बदहाल है, सियासी तौर पे बदहाल है, यहाँ की हकूमतें नाम की हकूमतें है। आज का वजीर आजम जो सिवाय इसके कि वो सिर्फ एक जनरल मैनेजर की हैसियत रखता है, बाकी उनके पास कोई पावर्स नहीं है, पावर्स किसी और जगह है। यहाँ पर इस सूबे में बजायर तो चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा होता है लेकिन पावर्स किसी और के पास है। जनाब स्पीकर, ये तमाम सूरत हाल मैंने बयान की, कोई 40 साल की ये हिस्ट्री है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे हुक्मरानों का अक्ल सलीम सही जगह पे नहीं आया है, आज भी वो इस बात में है, वो गुड दहशतगर्द और बैड दहशतगर्द की पॉलिसी पर गामजन है, जो उनके फायदे में है उसको पाल रहे हैं, जो उनके खिलाफ है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। हमारे अकाबरीन ने खान अब्दुल समद खान अचकज़ई शहीद, जो इस खत्ते का पहला शख्स है जिसने सियासत का आगाज किया, जिसने सियासी पार्टी बनाई, जिसने प्रेस लगाया, पहला अखबार खान अब्दुल समद खान अचकज़ई ने यहाँ से निकाला, वो पहले साफी थे, वो पहले सियासतदान थे, वो एक अलीमुद्दीन थे, उनका उन्होंने कहा था कि आप इस मुल्क को जमहूरियत के डगर पे चलाओ, आप आवाम की राय पे भरोसा करो, आप पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करो, आप आईन कानून की हुक्मरानी को तस्लीम करो, आप यहाँ बसने वाले अकवाम के हकूक को आप तस्लीम करो, यहाँ पश्तून वतन तकसीम है या 4 हिस्सों में हमारा सरजमीन तकसीम है, हमारा कोई कौमी वहादत
जिसका नाम पश्तूनिस्तान हो, जिसका नाम अफगानिया हो या जिसका नाम पश्तूनख्वा हो, जो मुतहदा पश्तून वतन है वो आज भी मुनकसिम है। आज भी पश्तून अवाम एक एक असेंबली में नहीं जा रहा है। जनाब स्पीकर, हमारे अकाबरीन का ये था कि आप सही पार्लियामेंट में आओ, आप पार्लिमानी डेमोक्रेसी को मान लो, आप अवाम के हक के राय दही को तस्लीम करो, लेकिन ये नहीं हुआ। आज वही हमारे अकाबरीन की बातें, आज अगर उस पर अमल होता, अगर आज खान अब्दुलसमद खान अचकज़ई शहीद के उसके फरमुदात पे अमल होता, अगर आज महमूद खान अचकज़ई के बातों पे अमल होता, तो आज हम ये दिन ना देखते। आज एमल काशी शहीद का जो सरीना होटल में शहीद हुआ, जो वहाँ असदुल्ला खरोटे शहीद हुआ, जो शाहजेब शहीद हुआ, नसीबुल्ला नूरज़ई शहीद हुआ, हमारे एक सिपाही वो शहीद हुआ, जो हमारे दीगर लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, एफसी के लोग भी शहीद होते हैं, वो आज शहीद ना होते। आज ये हजारा कम्युनिटी के लोग शहीद ना होते, आज ये सब कुछ ना होता, आज बर्बादी नहीं होती जनाब स्पीकर। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और हम हाथ पे हाथ रख कर देख रहे हैं जनाब स्पीकर। इसका वो जो स्ट्रीट क्राइम्स है वो तो आपके सामने है कि कितना स्ट्रीट क्राइम्स हो रहा है। ये जो कल वाकिया साफी का हुआ है, जो हमारे दोस्त ये रहसानी जो था, जो साफी था, जो नौजवान था, उसका जो हुआ कत्ले शहादत का वाकिया हुआ, अभी जो मुख्तलिफ वाकियात होते हैं, क्विटा शहर में हुआ, अलादा तरीन को पशीन में शहीद किया गया, DSSP अमानुल्लाह को शहीद किया गया, हयात बलोच को शहीद किया गया, नौशकी में समी मेंगल को शहीद किया गया, ये तमाम शहादतें जनाब स्पीकर, ये उस बात की वो है कि हमने अपनी पॉलिसी सही नहीं बनाई है। आज आप देख रहे हैं जनाब स्पीकर, इस सूबे में वो लोग जो जराइम पेशा है, जो मुख्तलिफ जराइम में इन्वाल है, जो लैंड माफिया है, उनको खुली छूट हासिल है, वो जो कुछ करते हैं वो करने के लिए आज़ाद है। आपने देखा नवाकिली में सोबत खान काकर का वाकिया हुआ, वो वाकिया हुआ, बाकी जो वाकियात होते हैं, अभी चमन में वाकिया हुआ, नईम अचकज़ई नाम के शहरी को शहीद किया गया, तूल अर्ज में आप जनाब स्पीकर वो लोग जो डेथ स्क्वाड है उनको फ्री हैंड हासिल है, उन्होंने वो काली वो गाड़ियों में फिरते हैं, काले शीशे होते हैं, उनके पास मुसल्ला लोग होते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। आप देख के आप हैरान रह जाएंगे, आप किला अब्दुल्ला जाओ, आप पशीन जाओ, आप खुजदार जाओ, वहां पर जो मुसल्ला लोग होते हैं, जो वो कार्रवाइयां करते हैं, वो हम हैरान रह जाते हैं जनाब स्पीकर। जब मंशियात फरोश आजाद है, जब कोई तम सरेआम मंशियात फरोशी हो रही है, वो पुलिस वाले उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, और जो लोग जो दहशतगर्द है उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है, और शरीफ लोगों को सियासी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयां होती है जनाब स्पीकर। जो सरीना होटल का दिलखराश वाकिया होता है, ये रेड जोन का इलाका कहलाया जाता है, ये क्विटा का महफूज तरीन इलाका कहलाया जाता है, आपके असेंबली के सामने वो है, वो किस तरह एक गाड़ी आती है, और वहां पर डिप्लोमेट आए थे, वहां पर एक्सेलेंसीज वहां मौजूद थे, वो आ रहे थे, महज एक दो मिनट का फर्क था। अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता तो बहुत सारी कैजुअलिटीज होती, दर्जनों लोग उसमें शहीद हो सकते थे, और ये कहां गई हुकूमत, 70 अरब रुपए हुकूमत खर्च कर रही है अमन अमान पर, ये कहां जा रहा है? आपने अपने पुलिस को ट्रेनिंग नहीं दी, आपने अपने लेवीज को ट्रेनिंग नहीं दी, आपने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था, आपने एफसी को बुलाया, वो भी काम नहीं कर सका जनाब स्पीकर। ये मैं समझता हूं कि ये जब तक हकूमत, जब तक वफाक, जब तक ये रियासत अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करेंगे, जब तक वो
इन दहशतगर्दों, इन इंतहा पसंदों, ये जो रुजती कुव्वतें हैं, इनके खिलाफ सही तौर पर, हकीकी तौर पर कार्रवाई नहीं करेंगे, ये बम धमाके होंगे, ये खुदकश हमले होंगे, ये टारगेट किलिंग होगी, इसलिए कि आपने उन्हें फ्री हैंड दिया है, इसलिए कि आपकी ये पॉलिसी है कि आप इस राह पे जाए। जनाब स्पीकर, पश्तून आवाम इस मुल्क के शहरी है, इस मुल्क में कम बेश 1,55,000 स्क्वायर किलोमीटर पश्तूनख्वा सरजमीन है जो इस मुल्क का हिस्सा है। इस मुल्क को हम मादनियात देते हैं, इस मुल्क के तमाम जो ज़रात है वो पश्तूनख्वा वतन के वो दरियाओं से है। हमारे सरजमीन में कोयला भी है, क्रोमाइट भी है, संगमरमर भी है, पेट्रोल भी है, गैस भी है, लेकिन हमें इस मुल्क में हमें तीसरे दर्जे की शहरी की हैसियत हासिल है। जनाब स्पीकर, आपने आपने देखा दो दिन पहले कराची के बोल्टन मार्केट में, वहां 3 पश्तून नौजवान जिनका ताल्लुक, 2 का ताल्लुक पशीन से है, सैयद है, 1 का ताल्लुक चमन से है, उनको जख्मी किया जाता है। रात के अंधेरे में मुसलह लोग आता है बोल्टन मार्केट में, उनकी दुकानें तोड़ दी जाती है, उनसे सामान छीना जाता है, जब लोग पहुंचते हैं तो उन पर फायरिंग हो जाती है। जनाब स्पीकर, कराची में, इस्लामाबाद में मीरवैस मंदोखेल के शहादत का वाकया हो जाता है, पश्तून आवाम इस मुल्क में महफूज नहीं है। कराची में भी उसके लिए आग है, इस्लामाबाद में भी उसके लिए आग है, वो कहीं भी महफूज नहीं है। क्वेटा में भी आपने देखा कि सरीना होटल में ये वाकया होता है। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, ये असम्बली ये कस्टोडियन है, ये असम्बली आवाम की मुकद्दस हैसियत है, इस असम्बली की पॉलिसी आगे जानी चाहिए। वफाक पे सही इंतखाबात हो, वहाँ की हकीकी पार्लियामेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, न कि कोई बार बार से पॉलिसियाँ खारिजा पॉलिसी मुरतब करे, दाखिला पॉलिसी मुरतब करे। पॉलिसी बनाएंगे तो ये यहाँ की असम्बली बनानी चाहिए, न कि कोई और बनाए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इन तमाम वाकियात का ये जो जनाब स्पीकर, अगर काजी फाइज ईसा के उस रिपोर्ट को जो 8 अगस्त 2016 के वकला का वाक्य पर उसने रिपोर्ट लिखी थी, वो ट्रिब्यूनल में अगर उस पे अमल होता तो फैजाबाद की धरने की नौबत ना आती। अगर फैजाबाद के धरने पर रिपोर्ट जो ट्रिब्यूनल का काजी फाइजी शाह ने लिखी थी, अगर उस पे अमल नहीं होता तो अभी जो 10 दिन पहले पूरे मुल्क बिलखसूस में पंजाब में जो सूरत हाल पैदा हुई वो वाकियात ना होते। इसलिए कि आपने देखा हुकूमत ने किस तरह घुटने टेक दिए हैं, कहाँ गया वो शेख रशीद जो बड़ी बड़ी बातें करता था, वो किस तरह भीगी बिल्ली की तरह चुप गया। जनाब स्पीकर, इसलिए कि उनकी पॉलिसियां गलत है। मैं समझता हूँ कि काजी फाइजी साहब के खिलाफ भी जो कार्रवाई हो रही है वो सही नहीं है। मैं कहता हूँ, थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं कहता हूँ कि इस वाकये पर एक अदालती कमीशन दोबारा बनाई जाए सुप्रीम कोर्ट के, कि वो तहकीकात करे कि क्यों कर सरीना होटल में ये वाकया होता है। थैंक यू जनाब स्पीकर, बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया जहर साहब जी। जमर हकीकत में तहरीक इल्तवा जो नसुल्ला साहब ने लाया, ये वाकया जो हुआ है ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। मैं आपको बता दूं कि सरीना होटल में जिस दिन धमाका हुआ, हम खुद यहाँ नज़दीक बैठे हुए थे, और जब हमने पूछा कि जो जवान जिस तरह एमल कासी शाहजेब और वो खरूटी और एक नुरजई जो हमारे भाई इसमें शहीद हुए, हकीकत में हम सोच रहे थे कि अभी उसके घर में एक मातम जैसा होगा। रोज़े के इस मुबारक महीने में उनके बच्चे, उनका फैमिली, उनका माँ बाप को जब ये पैगाम मिलता है कि उनका बेटा इस तरह आ गया, इस तरह टुकड़ों में उनको शहीद करके लाया गया, तो हर एक इंसान अपने आप से ये तसव्वुर कर लें कि वो क्या हालत होगी उस फैमिली पे, उस ख़ानदान पे, जब उनके पास इतने जवानों के जनाजे जाते हैं। जनाब स्पीकर साहब, इस पर तो हमें मजम्मत क्या, एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, मजम्मत करते हैं या
मुतालिबा करते हैं कि जी तहकीकात होनी चाहिए। ये वाक्या आज पहला वाक्या नहीं जो हमारे साथ हो रहा है। जिस तरह हमारे भाई ने एक बहुत बड़ी तारीख अपनी पार्टी के बयान की, मैं कहता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं हर एक के घर में शहीद तकरीबन हुए हैं, किसी ना किसी मुसीबत से गुजरे हुए हैं। हर एक पार्टी जो है अपने एक अच्छी मंशूर रखती है, अपना एक अच्छा प्रोग्राम रखते हैं और उसके तहत जो है अपने कौम और अपने उलस और अपने इलाके की खिदमत करते हैं। और उन्होंने वहाँ पे शहादतें भी दी हैं, जेलें भी काटी हैं और मुख्तलिफ मुसीबतों से उनका सामना हुआ है। यहाँ मैं आपको अगर 2008 से मुख्तसर सा बता दूँ, अवामी नेशनल पार्टी ने सिर्फ 2008 से 2013 तक 960 शहदा दिए हुए हैं पख्तूनख्वा में, कराची में, यहाँ बलूचिस्तान में। यह हमारी बीबी बैठी हुई, इसका भाई भी शहीद हुआ है बम ब्लास्ट में, इनका छोटा भाई। हमारे यहाँ पे इनका कजन भी शहीद हुआ है। हमारे सुबाई सदर के वालिद भाई, अभी हमारा प्रेस सेक्रेटरी का लाश 5 महीने बाद मिला। ये तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। कौन कर रहा है? हमारे दुश्मन कर रहे हैं। इस सूबे के, इस मुल्क के वो अनासर जो हमें मुतहद नहीं देखना चाहते हैं, जो यहाँ पे तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। हम ये मुतालिबा कर सकते हैं, हम एक वजीर की हैसियत से कह सकते हैं कि जी कौन कर रहा है, आपके आसपास कैसे दुश्मन आपके बैठे हुए, जो भी है सामने बात करना चाहिए। यहाँ पे हमारे फौज के जवान शहीद हुए, हमारे एफसी के जवान शहीद हुए, हमारे लेवीज के शहीद हुए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जितने भी एहलकार वो भी हमारे भाई, हमसे ताल्लुक रखते हैं। और हमारे अगर पश्तून शहीद हुए, बलोच शहीद हुए, हजारा शहीद हुए, यहाँ पे कोई भी किसी भी कौम से ताल्लुक रखने वाले वो अशखास जो बेगुनाह बेदर्दी से कत्ल किए गए या उनको टुकड़े बम की शक्ल में, ब्लास्ट की शक्ल में हमें मिलते हैं, ये सही है कि हमारे सरीना में जवान शहीद हुए, अगले दिन प्रेस के जो है जो जवान को शहीद किया जाता है, चमन में नईम को शहीद किया जाता है। ये वाकयात इस तरह हैं कि इस सूबे को स्ट्रेटेजिक हैसियत रखता है। ये सुबह आपके आसपास जितने भी हमसाए ममालिक हैं वहाँ से मुदाखलत होती है, आपके यहाँ पे हमारे जो पाले गए ऐसे कुव्वतें जो हमने पहले से 20-25 साल पहले जब अफगान गवर्नमेंट, जब अफगान इनकलाब आया था, उस वक्त से ये ज़मीन जो है ये खून और किश्त का खेल कह रहा है। यहाँ पे असलहे की जोर पड़ गई, यहाँ पे मंशियात का जोर आ गया। ये चीज़ें कब से हुई है ये भाई, मैं आपको बता दूँ, ये एक दिन मेरा अपना वालिद शहीद हुआ है, मैं आपको पता है या नहीं पता है, हमारे ऊपर वो जुल्म डाले गए उस वक्त 1970 से, जहाँ पे सिर्फ नेप के दौर में हमारे यहाँ पे सारे बैठे हुए, एक न एक कड़ी मिलती है। हमारे हैदराबाद ट्रिब्यूनल हम पे बनाया गया, हमें फांसी देने की जो है वो कोशिश की गई है, हमें गद्दारी का इल्ज़ाम दिया गया है, हमें सुबह तोड़ने की जो है मुल्क तोड़ने का जो है इल्ज़ाम लगाया गया। हमने हकूक की बात की, हमने सुबह खुद मुख्तारी की बात की। इस जमन में जो साजिशें यहाँ होती रही, यहाँ आप उसका नतीजा हम देख रहे हैं। हमें यहाँ पे एक मजबूत गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अपोजिशन में हो चाहे गवर्नमेंट में बैठे हुए हो। कल मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, क्या उस वक्त बदामनी नहीं थी? क्या वहाँ पे बम ब्लास्ट नहीं हुए? क्या पुलिस के जवान जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे सरियाब रोड पे शहीद हुए वो किस वक्त हुए? यहाँ पे हमारे जो 65 वकला शहीद हुए वो किस वक्त हुए? हमारे तो न जज छोड़े गए, हमारे न वकील छोड़े गए, हमारे न शायर छोड़े गए, हमारे न कबायली सरबराह छोड़े गए। इस मुल्क में तो किसी उस मुआज़्ज़ज़ आदमी को नहीं बख्शा गया। हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर सबकी जो टारगेट किलिंग हुई है, मेरे ख्याल से इस 3 साल में कुछ न कुछ बेहतर हुआ है। पहले से हम ये समझते हैं कि यहाँ पे अमन अमान का जो हालात है वो पहले से बेहतर है। जो पहले जो हमारे साहब पहले 2 टर्नओवर जब गुजरे थे जनाब स्पीकर साहब, उसमें हजारों की तादाद में ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनके कम्युनिटी से हजारा से हजारों की तादाद में लोग शहीद हुए। अभी हमारे इस गवर्नमेंट में कम से कम हमारे अमन अमान की सिचुएशन को आप देख लें तो आपको पहले से बेहतर नजर आया होगा। लेकिन हमें दुश्मन नहीं छोड़ रहे, दुश्मन तो फिर भी कार्रवाई करेंगे। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को हमने यही कहा है, वज़ीर आला साहब बैठे हुए हैं, वो अपनी उस सलाहियत को बरकरार लाएं कि कौन कर रहे हैं। एक धमाका हुआ है इस साल में, मैं पिछले 5 साल की गवर्नमेंट का आप उठा लें, सैकड़ों धमाके हुए हैं।
50 50 60 60 70 70 लोग, मैंने आपको कहा वकला पुलिस एफसी हमारे बेगुनाह लोग यहाँ पे बैठे हुए, मैंने शहना का कहा इनके भाई सब शहीद हुए। ये तो नहीं है कि उससे पहले हमारी गवर्नमेंट रही है, 960 हमारे लोग शहीद हुए, मियां इफ्तिखार का वाहिद अकलौता बेटा उसमें शहीद हुआ है, बशीर बिलोर उसका बेटा वो शहीद हुए हैं, हमारे कराची में जो इलेक्शन लड़ते थे उसको शहीद किया गया। हमारी इस 3 साल गवर्नमेंट बलूचिस्तान में कम से कम हमारी वजीर आला साहब की क्यादत में या हमारे जो होम डिपार्टमेंट है, हम लोग जो इत्तेहाद कर रहे हैं इत्तेहादी हैं, हमने कोशिश की कि आप सबसे पहले अमन अमान को जो है वो अहमियत दे दे और उसको बरकरार रखे। मेरी अपने सोच के मुताबिक जुल्म हुआ है, सरीना में हुआ है, जवान शहीद हुए हैं, हमारे प्रेस के भाई शहीद हुए हैं, हमें इस पर अफसोस है। हम ये कहते हैं, कह सकते हैं कि उनकी जो इंक्वायरी होनी चाहिए, उन पे जुडिशियल कमीशन आप कहते हैं वो बनाया जाए, उसकी जो है तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन उन जो हमारे आसपास जो लोग हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उन पर भी आप नजर रख लें, कौन कर रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, किधर से खुदकश आ रहे हैं, किधर से जो है बम्बार आ रहे हैं। कम अज कम वो तो ये नहीं है कि यहाँ पे हम आप खुद खुदा न खासा खुद गवर्नमेंट तो नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा कि वज़ीर आला ने कहा कि जाओ सरीना में ये कर लो, फलाने जगह में ये कर लो, ये तो चुप चुप के आते हैं और अपने ऊपर बांध के और फिर जो है ब्लास्ट करते हैं और नौजवानों को शहीद करते हैं। मैं इसमें आपके साथ हूँ, मैं इस तहरीक इल्तवा पे मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इसकी करारदाद में शक्ल हम चेंज कर सकते हैं तो उसमें कर लें, मुश्तरका कर लें कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम वफाक से भी मुतालिबा करें कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको और सख्त से सख्त कर दिया जाए, हालांकि वो जो है हमारे बलूचिस्तान में नहीं आते हैं, लेकिन बॉर्डर हम उन चीज़ों के लिए बंद नहीं करना चाहते हैं कि खुदा ना खासा एक दफ़ा बात हुई थी कि जमरक खान ने कहा बॉर्डर बंद कर लें, हम खुदा खासा चमन के बॉर्डर को बंद नहीं करना चाहते हैं, हम उन दहशत गर्दों के लिए जो हमारे इस मुल्क को जो है अनस्टेबल करना चाहते हैं, या यहाँ से कोई जाता है या वहाँ से कोई आता है, तो उनको तो ना करना चाहिए। हम बिजनेस के खिलाफ तो नहीं है, जमन बॉर्डर होगा हमारे पूरा किला अब्दुल्ला क्या पूरा बलूचिस्तान और कराची और लाहौर तक जाके तो सब लोग इस पे जो है वो मुनसर है, आपके इसी जो है ट्रेड से मुनसर है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, आप सेंट्रल एशिया तक जाए, इनको तो बंद नहीं होना चाहिए। हम तो जो है कमरदीन को खोलना चाहते हैं, हम तो बाजीनी को खोलना चाहते हैं, हम तो नौशकी पे बॉर्डर मांगना चाहते हैं, हम दालबंदीन में इनको खोलना चाहते हैं, हम जितने भी पॉइंट्स बनाना चाहते हैं कि बॉर्डर को जो है बिजनेस ज़्यादा हो, अफगानिस्तान के साथ हो, ईरान के साथ हो, बल्कि इंडिया के साथ हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों को मिल के अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस को मिल के बलूचिस्तान के अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए और नज़रियात से बालातर हो के इस कौम के यहाँ पे जितने भी रहने वाले, हम एक तरक्की पसंद सोच रखने वाले, हम पश्तूनों की सियासत करते हैं, हम बलूचों की सियासत करते हैं, हम हज़ारों की सियासत, हम पाकिस्तान में उस मजलूम कौम की उस मजलूम तबके की सियासत करते हैं जो यहाँ पे तबाह व बर्बाद हैं, यहाँ पे उनके हकूक की जो है वो पासदारी नहीं होती, वहाँ पे उनके हकूक का तायुन नहीं होता है, हम उनके लिए काम करेंगे और बलूचिस्तान के अमन के लिए इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे। और आपसे भी यही है कि हम इस पे आप तजावीज़ दे दें, हमारे बड़े बैठे हुए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, सरदार साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए, आप तजावीज़ दे दें अमन अमान के लिए, तो हम भी अपोजिशन में बैठे थे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम उन समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, अगर वो हमारे अदारे कमज़ोर हैं उनकी कमज़ोरी को कैसे दूर किया जा सकता है, हमारे पुलिस है, हमारे एफसी है, हमारे फौज है, हमारे जो भी हमारे कंट्रोल में आते हैं, इस बलूचिस्तान हुकूमत के कंट्रोल में आते हैं, कम अज़ कम उनको ये जो है ये एहसास होना चाहिए कि बलूचिस्तान के आवाम को जो है अमन देना चाहिए, और अमन के बाद आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप तालीम भी हासिल कर सकते हो, आप सेहत में कुछ कर सकते हो, अगर अमन नहीं होगा आप घर से नहीं निकल सकते हो तो आप जिंदगी कैसे गुजारोगे, जिंदगी गुजारने के लिए तो पहले अमन की जरूरत है, लाइफ प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसमें गवर्नमेंट को किरदार अदा करना चाहिए और आपके ताउन से। तो ये कुछ अल्फाज के साथ जनाब स्पीकर साहब आपका शुक्रिया। शुक्रिया जमर खान शख्सी साहब जी। सर माइक ऑन नहीं है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज की इस तकरीर का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा कि रोज़ शब के मेले में गफलतों के मारे हम, रोज़ शब के मेले में गफलतों के मारे हम, बस यही समझते हैं हमने जिसको दफनाया बस उसी को मरना था। एक बेस माशरे की निशानदेही करता है हमारे हालात, जहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि रोज़ हम अपने कौम की तरक्की के मयार, अपनी कौम की कामयाबियों पे यहाँ पर बहस व मुबाहसा करते,
अपने जो अचीवमेंट्स है या अपने जो अपने हमने हासिल किया है उन हासिलात पर जो है यहाँ पर बहस व तमीज़ करते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा कोई भी ऐसा इजलास या ऐसा सेशन नहीं होता जिसमें हम या तो अमन अमान के ऊपर या सरहदों पर अमवात के ऊपर या अस्पतालों में मरीजों की बेसी में मौत के ऊपर यहाँ पर बात नहीं कर रहे होते। जनाबे वाला, मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में दो किस्म के माशरे होते हैं। किसी भी माशरे को अगर देखना हो कि वो इंसानियत का शरफ हासिल कर गया है तो उन दो किस्म के माशरे होते हैं। जिस माशरे में अस्पताल वीरान और कब्रिस्तान सुनसान हो या उनमें सन्नाटा हो, समझने वाली बात है जनाब स्पीकर कि जिस माशरे में अस्पताल वीरान और कब्रिस्तान सुनसान और सन्नाटा हो तो आप समझ लें कि उस माशरे ने जो है शर्फ इंसानियत हासिल कर लिया है। इसलिए कि दुनिया की तमाम बेहतर से बेहतर सहूलतें अपने इंसानों को दे दी, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं, कोई बीमार नहीं, अच्छे पीने का साफ पानी मिल रहा है, लहजा उसके अस्पताल जो हैं वो बिल्कुल वीरान हो गए हैं, कोई माशरे में बीमार रहता ही नहीं है। और जब उसके कब्रिस्तान सुनसान होंगे इस बात की निशानदेही है कि ना लोग तो बीमारियों से मर रहे हैं, ना बम धमाकों से मर रहे हैं, ना राह चलते हुए जो है दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं या सड़कों के हादसात का निशाना बन रहे हैं। जबकि एक दूसरे किस्म का भी माशरा है और इस दुनिया में इस वक्त यही दो किस्म के माशरे हैं जो बड़े प्रीडोमिनेंट हैं, डोमिनेंट हैं। एक वो माशरा है जनाबे वाला जिसके कब्रिस्तानों में जमे गफीर है। आपको लग रहा होगा कि हर वक्त जैसे कोई मेला लगा हुआ है, बूढ़े वालदैन अपने नौजवानों की लाशें उठाए हुए वो कब्रिस्तानों का रुख करते हुए आपको नजर आएंगे। इसी माशरे में आपको बाजारों में हंगामे नजर आएंगे जिस तरह कल रात को भी हमें नजर आया। यही माशरे वो बेसोच माशरे होते हैं जिसमें आपको खुराक के लिए, आपको चीनी के लिए, चावल के लिए, रोटी के लिए, आपको आटे के लिए लंबी लंबी इंसानों की कतारें नजर आएंगी 21वीं सदी में। यही वही माशरा होता है जनाबे वाला जहां पर आप कचहरियों में जाएंगे तो आपको टूटे फूटे चप्पलों में और बुजुर्ग सफेदरी माएँ बहने कचहरियों में इंसाफ के लिए जो है महीनों महीनों बल्कि सालों सालों जो है वहां पर धूप में बैठे हुए नजर आएंगे। ऐसे माशरे जो है वो इंसानियत के शर्फ हासिल उन्होंने नहीं किया होता है, मुनासिब नहीं होता कहना, वो तकरीबन प्रिमिटिव यानी ऐवानियात के जो है प्रोसेस से अभी तक वो आगे शर्फ इंसानियत वाली शरह में दाखिल नहीं हुए। हम अभी तक वो शर्फ इंसानियत का समाज हासिल करने के लिए ये फिर जब हम उस माशरे में पहुंच जाएंगे फिर ये चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। कल का जो वाकया है अब्दुल वाहिद रेसानी का, साफी का, इससे कबल ईरान की सरहदात पर जो हुआ फायरिंग से सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए, 10 से 12 के करीब जो है मजदूर शहीद कर दिए गए। क्वेटा का जो ये हादसा हुआ सेरीना होटल का, इससे पहले जनवरी में हमारे हज़ारा बरादरी और अक़वाम के शहजादे जिस तरह शहीद कर दिए गए। पंजगूर में धमाका हुआ, अरनाई में धमाका हुआ। मैं बिला तख़सीस नस्ल और रंग ये बात करूंगा, ना कोई बलोच है ना कोई पश्तून है, हम सब का खून सुर्ख है। हम सब की माओ के आंखों से बहने वाले आंसू की तपिश, उसकी तकलीफ और उसका दर्द एक है। पश्तून की माँ या बलोच की माँ की तकलीफ और दर्द मुख्तलिफ नहीं है। ये सारे हमारे माशरे के इंसान हैं। खुदावन तबारक ताला ने जब इनको पैदा किया यहां पर भेजा, बाद में कौमों में जुबानों में हम चीजों में हम तकसीम हो गए। लेकिन अगर उस दर्द को तपिश को महसूस किया जाए, ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि जनाबे वाला बम धमाकों से, दहशतगर्दी से, गोली से, सरहदों पर भूख से प्यास से मर रहे हैं। हम अपने माशरे में उन लोगों की अभी तक बात ही नहीं कर रहे हैं। कल मैं एक 6 फुट के खूबसूरत से शहजादे नौजवान नासिर बलोच को जो है पंचपाई में लहद में उतार के आया हूं। मुझे पता है, कहने को तो वो एक हार्ट अटैक है, कहने को तो लगता है कि वो दिल का दौरा था, लेकिन जनाबे वाला 28 साल के 6 फुट के खूबसूरत शख्स दिल के दौरे से नहीं मरता, माशरे की बेहिसी से मरते हैं, बेरोजगारी से मरते हैं, मायूसी से मरते हैं और सैकड़ों की तादाद में नौजवान मर रहे हैं। जब माशरे में फिर बदमनी कहां से आती है, जब माशरे में इंसाफ कैसे आप पैदा कर सकते हैं? जनाबे वाला, जब हम उस मयार तक पहुंचे नहीं, हम पैगंबरों के जो वो असाफ हैं
उनके जो बातें हैं, उनका जो किरदार है, उधर तक तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने हमेशा एक बात सिखाया कि किसी माशरे में अगर आपको पता हो बीमारी आई है, किसी माशरे में वबा आया है, किसी माशरे में जंग फैल गया है, तो उस माशरे की बेहतरी के लिए उसके सफेद रीश, उसके मुंतखब और उसके आला पाए के लोगों को बैठ के मुशावरत करनी पड़ती है। मुशावरत एक जगह नहीं, 100 जगह कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र आया है कि अगर आप अपने लोगों को जिनको खुदावंद तबारक ताला ने हुक्मरानी पर मुख्तलिफ अंदाज में फायज किया है, अगर आप मिल बैठ कर बात करेंगे आप मसाइल का हल निकालेंगे। हम वाकयात को भी गिनना मैं शुरू नहीं करूंगा, अगर मैं बलूचिस्तान में वाकयात को गिनना शुरू कर दें, बलूचिस्तान एक फ्रेजाइल सोसाइटी है, वी आर पासिंग थ्रू अ ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन इज लीडिंग अस टू अ मोर फ्रेजाइलिटी, ये हमें बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएगा, या ये ट्रांजिशन जो है, टाइम बस दो, मुझे पता है सर, अच्छी बात, कंक्लूड कर दें, मैं कंक्लूड कर लूंगा, या इस फ्रेजाइलिटी के बाद अगर बलूचिस्तान में हमें इस बलूचिस्तान को ट्रांजिशन को आगे ले जाना है, ये हमें पीस की तरफ, अमन की तरफ भी ले जा सकता है। हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास सोझबूझ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज से कोई 15वीं 14वीं सदी में नहीं रह रहे हैं, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, और हमें सबको एक्सपोजर है थ्रू टेक्नोलॉजी के कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, तनाज़ात का हल कैसे तलाश किया जाता है, बदमनी का हल कैसे तलाश किया जाता है, बदमनी के मुहर्रिकात क्या होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की खराबी के, इसकी मुसलसल जवाल के, अमन अमान के, इसके जवाल के मुहर्रिकात क्या होते हैं। जनाब वाला, बलूचिस्तान में बदमनी के मुहर्रिकात को जानना किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है आपको। बलूचिस्तान में जब लोगों की उम्मीदें हुकूमतों से कायम होती है, अशराफिया से कायम होता है, इदारों से कायम होती हैं, अदलिया से जुड़ जाता है, जब लोगों की उम्मीद जुड़ जाती है, फिर लोग झगड़े से इज्तनाब करते हैं, लोग बमबारी से इज्तनाब करते हैं, लोग तशद्दुद से इज्तनाब करते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी उम्मीदें इदारों के साथ जोड़ देती हैं। लेकिन जब इज्तिमाई तौर पर कौमें जो हैं वो मायूसी का शिकार हो जाएं, जब उनको पता चले कि पुलिस मेरा नहीं, जब उनको चले कि सिक्योरिटी इदारे मेरे खैरख्वाह नहीं, जब उनको पता चले कि हुकूमत मेरे हवाले से खैरख्वाही के मंसूबे नहीं बना रहा, जब वे समझ रहे हों कि हम तालीम में, तरक्की में, हुनरमंदी में, रोजगार में, सनत में, इरफत में, ज़रात में अपने वसाइल पर क्या अहमियत में पीछे रह गए हैं, तो जनाबे वाला ये मायूसी का बायस बनती है। जब मायूसी का बीज किसी माशरे में जब जनाबे वाला जड़ पकड़ना शुरू करता है, तो फिर मायूसी मुख्तलिफ किस्म की बदबूदार फूल जो है वो पैदा करता है, वो तशद्दुद की शिकल इख्तियार कर देता है, वो बम धमाकों की, वो खुदकुश अमलावरों की, वो बड़े बड़े मॉब्स की, वो बड़े बड़े यहाँ पर जलसे जुलूसों की तोड़फोड़ की जो है कल्चर को जन्म देता है। आज बलूचिस्तान को जनाबे वाला समझने की ज़रूरत है। ये 3 साल में शायद हम बार बार कह रहे थे, हमारे पास जो वसाइल हैं उस वसाइल की मुनसिफाना तकसीम कैसे हो, उन वसाइल को किस तरीके से टारगेटेड इंटरवेंशन के जरिए, अंग्रेजी का लफ्ज है, यानी मखसूस किस्म की इक्मत अमली के तहत तरक्की के मामलात में इस तरह की तरक्की का मयार, ऐसे तरक्की का अमल शुरू किया जाए जिसमें आप इन मुहर्रिकात को जो है एड्रेस कर सकें। तो जनाबे वाला, 70 अरब रुपए बलूचिस्तान में एक वक्ता मेरे दोस्त जमरक साहब ने एक छोटी सी बात की, मैं सिर्फ मुख्तसरन, मैं उनकी बात पे आर्गुमेंट नहीं करता, मैं उनकी दलील को जो है यहाँ पे काउंटर नहीं करना चाहता, सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, जो बार बार ये बात कहते हैं जब बलूचिस्तान में बदमनी होती है, कहता है बैनुल अक्वामी साजिश है, बलूचिस्तान अहम जोग्राफिया है, सबकी नज़रें बलूचिस्तान के ऊपर हैं। मुझे पता नहीं कि यह बलूचिस्तान जनाबे वाला 2000 साल से अहमियत का आमिल था। कबल मसीह सिकंदर आजम की फौजें भी यहाँ से गुजरती थी, हमने नहीं देखा जनाबे वाला बलूचिस्तान। उसके बाद से जनाबे वाला आप फॉरवर्ड पॉलिसी ले लें, अंग्रेजों का ले लें, सर्द जंग ले लें, गर्म जंग ले लें, पहली जंग अजीम ले लें, दूसरी जंग अजीम ले लें, ये खित्ता तो हमेशा बैनुल अक्वामी दुनिया की नज़र में रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बलूचिस्तान में जनाबे वाला, पूरे बलूचिस्तान में 1948 और 47 में बलूचिस्तान का जो अमन व अमान का बजट था वो जनाबे वाला 20 लाख रुपए था। आज बलूचिस्तान के अमन व अमान का बजट जो है वो 70 अरब रुपए से ज्यादा है, यानी फीकस बलूचिस्तान में अमन व अमान पे हम 6,600 रुपए खर्च कर रहे हैं। इसके बावजूद मैं आपको जनाब स्पीकर साहब आखिरी
इसके बावजूद भी बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो लॉ एंड ऑर्डर का है। लेकिन बलूचिस्तान में मैं आपको अल्फिया बता देता हूं, हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमें लोगों ने इज्जत दी है, हम भी अपनी गाड़ी में अकेले सफर करने से 10 दफा सोचते हैं। जब हमारी सूरतयाल मुंतखब नुमाइंदों की ये हो इस माशरे में, बाकी तो सब खुदा के आसरे पे चलते हैं, हुकूमत के आसरे पे और सिक्योरिटी इदारों के नहीं। तो लहजा कोई सिक्योरिटी इदारे की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, पीस बलोचिस्तान में अमनियत छावनियों से, बंदूकों से, थोप और बम की खरीदारी से, गोले खरीदने से नहीं आ सकती। बलोचिस्तान के अंदर एक फ्रजाल सोसाइटी है, इसके अंदर बहुत से फॉल्ट लाइंस हैं, या इसमें इस फ्रजिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए बहुत बड़े डिस्कशन और डिबेट की ज़रूरत है, संजीदगी की ज़रूरत है और टारगेटेड इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मुतब्बर सरदार अब्दुलरहमान कैतरान जैसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि इनकी इनकी मशवरे की ज़रूरत है। खुश है सरदार साहब, चलो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जनाब स्पीकर, शुक्रिया।